वेलकम बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में प्लेटो को न्याय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की विस्तृत व्याख्या की है, लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करने से पूर्व पहले प्लेटो के समकालीन जो भी न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उन पर दृष्टि डाली है। उस समय तीन सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित थे। पहला सिद्धांत था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत सेफालस और पॉलीमार्कस का था, जिनके अनुसार सत्य बोलना और दूसरे से लिया गया ऋण अदा कर देना ही न्याय है। न्याय की दूसरी धारणा थी उग्रवादी विचारधारा। यह सिद्धांत थ्रेसिमेकस का था, उनके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को स्वीकार करता है उस अनुसार अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तीसरा सिद्धांत था यथार्थवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत ग्लाउकोन का है, उनके अनुसार न्याय भय का शिशु है, अर्थात न्याय कमजोर की आवश्यकता है। प्लेटो ने उक्त प्रचलित न्याय सिद्धांतों का अपने तर्कों के आधार पर खंडन किया और अपना एक विशिष्ट सिद्धांत प्रदत्त किया, जिसके अनुसार प्रकृति प्रदत्त ज्ञान के अनुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। न्याय किसी भी स्थिति में न इससे कम है और न इससे अधिक। प्लेटो को न्याय मनुष्य के आंतरिक पहलू से संबंधित है, उसे ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। प्लेटो के समकालीन प्रचलित न्याय की धारणाओं एक समान विशेषता थी, वे तीनों न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव की आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं, फर्स्ट है प्लेटो के न्याय के दो रूप हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति उक्त तीनों गुणों में सामंजस्य बनाए रखता है वही व्यक्ति न्यायी है। ये प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के अनुसार क्योंकि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, इसलिए वहाँ भी तीन गुण होते हैं, विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक वर्ग, साहस का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और क्षुधा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग। जब तीनों वर्ग अपना अपना सिद्धांत निहित कार्य पूरा करेंगे तो राज्य न्याय का आदर्श है। दूसरी विशेषता है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैज्ञानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। उसमें मानव के केवल वैज्ञानिक कर्तव्यों का ही नहीं बल्कि समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरी विशेषता है न्याय जीवन का एक आंतरिक पहलू है। प्लेटो के अनुसार न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्मसंयम और आत्म त्याग है। इसे इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। चौथी विशेषता है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत कार्यों के विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति है। ये तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति या समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें एवं इस कार्य करने से अधिक कार्य कुशलता प्राप्त की जाए। ऐसा होने पर जहाँ एक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित की जा सकती है और दूसरी ओर राज्य में अकुशलता और अयोग्यता आदि बुराइयों को उससे बचाया जा सकता है। पांचवी विशेषता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत मुख्यतः निर्बाध अर्थात हस्तक्षेप का सिद्धांत है। न्याय इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पद्धति ज्ञान के अनुसार अपना कार्य करे और दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। डॉक्टर रूज के शब्दों में अपने स्वयं का कार्य करना और अनेक कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। राज्य का निर्माण करने वाले तीनों अंगों का अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र है, इसके लिए उचित है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र की यथार्थताओं में रहते हुए कार्य करें, एक दूसरे के
कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करे, यथा शासक वर्ग कार्य शासन करना, सेना वर्ग का रक्षण करना और उत्पादन वर्ग का उत्पादन करना। कार्य विशेषीकरण का यह सिद्धांत राज्य में एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। न्यायिक सिद्धांत की अगली विशेषता है सावयव एकता का सिद्धांत। प्लेटो को न्याय सिद्धांत व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकांश नहीं राज्य साध्य है, व्यक्ति साधक। प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से प्रत्येक व्यक्ति का कोई अपनी इच्छाएं आवश्यकताएं और आकांक्षाएं नहीं, व्यक्ति अंगिक और सुव्यवस्थित पूर्ण का अंग है। संक्षेप में न्याय वह सिद्धांत है जो राज्य में समरसता तथा एकता स्थापित करता है। छात्रों अगली विशेषता है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तत्व लिए हुए हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं तदनुरूप प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहना, काम करने वाली व्यक्ति के किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, यह स्वतः अपने कार्य से अधिक रुचि लेगा एवं अपने तथा समाज के लिए अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अगली विशेषता है दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए नित्यंत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को प्लेटो के द्वारा शासक का नाम दिया गया है। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है छात्रों कि प्लेटो को न्याय सिद्धांत ने तो प्रचलित उक्त धारणाओं के समान है जो प्लेटो के समय प्रचलित थी और नहीं आधुनिक प्रचलित न्याय के समान कोई बाहरी वस्तु है। कई विचारों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है, जैसे यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी थी और उसका अपना महत्व था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनेक आधारों पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। सहभाई ने लिखा है यह अत्यधिक स्थैतिक, व्यक्तिनिष्ठ, नैतिक रूप से पतनकारी, अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। प्लेटो के सिद्धांत की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जा सकती है। फर्स्ट, न्याय को कानून धारणा न मानकर नैतिक धारणा मानना। प्लेटो ने न्याय को लेकर कुछ आलोचक कहते हैं कि उसका न्याय कानून न्याय नहीं है, यह न्याय आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कानूनी शक्ति के अभाव में यह निष्क्रिय सिद्धांत है। व्यक्तियों की इच्छाओं एवं विभिन्न हितों में टकराहट होने की दशा में प्लेटो को न्याय सिद्धांत अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता। अगली आलोचना इस आधार पर की जा सकती है, व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, कोई विशेष महत्व नहीं माना जा गया है। इसी सभी वर्ग के लोगों के हाथ पैर जकड़े हुए हैं। केवल सामाजिक अंग के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में विचार किया गया है। अगली आलोचना अत्यधिक पृथक्करण पर की जा सकती है। जहाँ अरस्तु ने प्लेटो को न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला कहा है, वहाँ कथित आलोचकों ने प्लेटो के राज्य के अत्यधिक पृथक्करण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनके विचार में प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं है, बल्कि एक राज्य के नागरिकों का वर्गीकरण करने तथा उनके कार्यों का विभाजन करके प्लेटो ने राज्य की एकता को आंच पहुंचाई है। इस वर्गीकरण एवं कार्य विभाजन के कारण राज्य के विभिन्न वर्गों में सामान्य हित की भावना का अभाव हो जाता है। चौथा, प्लेटो को न्याय प्रजातंत्र विरोधी है। जॉन वोवेल के अनुसार प्लेटो को न्याय सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। इसमें एक वर्ग का राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार है जो अल्पसंख्यक है, जबकि दूसरे वर्ग का जो बहुसंख्यक है उससे वंचित रखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों को पांव में जंजीर जकड़ी हुई है, वे चाहे तो भी अपना वर्ग बदल नहीं सकते। अगली आलोचना विरोधाभास के आधार पर की जा सकती है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में दो विरोधी बात करता है। यह कहा जाता है कि प्लेटो को न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों के पार्श्व
एवं समानता को प्रोत्साहन देने वाला है। राज्य के तीन अंग एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु व्यवहार रूप में हम पाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य के विवेक का प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक बाकी दो वर्गों सैनिक तथा उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ही नहीं कठोर नियंत्रण भी रखता है। अगली आलोचना अधिकारों एवं दंड की व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रताओं, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो ये तो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। पॉपर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। उसके अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के अंकुर दिए छिपे हुए हैं। पॉपर ने यह भी आरोप लगाया है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत परिवर्तन और सुधार का विरोधी है, क्योंकि न्याय का अर्थ अपनी जगह पर सदा खड़े रहना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो को न्याय सिद्धांत के महत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटोकालीन यूनानी समाज में बड़ी व्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन दो परस्पर विरोधी वर्गों में बटे हुए थे। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में तो प्रचलित था ही, थ्रेसी मेकर्स जैसे सॉफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से भी इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इसके विरोध में नैतिकता और सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार प्रतिपादन किया है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये न्याय का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है समझना।